आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज समर्पणी दिन के अवसर पर आप सभी को वायरल झारसुगढ़ की टीम की तरफ से मैं रवि कुमार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। समर्पणी दिन के अवसर पर आज झारसुगढ़ के कनक दुर्गा मंडप से लेकर झारसुगढ़ के मंगल बाजार ऑडिटोरियम तक एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सारे लोग मौजूद थे। टाउन थाना अंतर्गत सरबहाल में रोड साइड में खड़ा राधा कृष्ण बेहरा नामक एक व्यक्ति और एक फेरी वाला को एक बाइक टक्कर मारने के कारण दोनों घायल हुए। बाइक सवार घटनास्थल से फरार हो गए। इस बारे में राधा कृष्ण ने टाउन थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। झारसुगढ़ थाना परिसर में टाउन थाना पुलिस की ओर से आमा पुलिस समिति बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में झारसुगढ़ SP राहुल जैन, टाउन थाना अधिकारी सावित्री वड़ो, SDPO निर्मल महापात्रा समेत कई पुलिसकर्मी और कई लोग शामिल हुए थे। बिलपहाड़ म्यूनसिपलिटी अंतर्गत 6 नंबर वार्ड के रोड की मरम्मत कार्य का देखरेख किए हैं बिलपहाड़ चेयरपर्सन निवाई चरण पंडा। कुलवरा एरिया में ऐश के लिए हो रहे प्रदूषण के कारण समासिंगा में वेदांता के राग ले जा रहे गाड़ी को रोककर गांव के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। झारसुगढ़ टाउन स्थित BTM में झारसुगढ़ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन की ओर से परिषद बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में 2021-22 का ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ साथ 2021-23 का बजट और आने वाले दिनों में कौन सा खेल खिलाना है, इसको लेकर एक निर्णय लिया गया। रेंगाली थाना अंतर्गत झाड़गांव चौक पर एक ट्रक और एक बाइक के बीच में आमने सामने टक्कर होने के कारण सुंदरगढ़ भंडारी संगड़ा गांव के राजू प्रसाद बाघ की मृत्यु होने की सूचना मिली है। लायंस क्लब ब्रिजानगर की ओर से मंडलिया स्थित महावीर नगर शिव मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। झारसुगड़ा वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट कॉलोनी परिसर में EJV फाउंडेशन की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में एयरपोर्ट के डायरेक्टर पवन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सदर थाना अंतर्गत पुड़ापाली के पास स्थित नदी की घाट से एक अनजान युवक की लाश बरामद किया है पुलिस ने। सदर थाना एरिया में एक ट्रक ड्राइवर को रोककर उसके साथ मारपीट करने के साथ मोबाइल फोन और 5,000 रुपए लूट लेने के आरोप में बोरोमाल तिलियापड़ा के बबुआ चौहान को गिरफ्तार करके कोर्ट चलान किया है सदर पुलिस ने। अब हर कोई पहनेगा ब्रांडेड कपड़े, वो भी साधारण कपड़ों के दाम पर, क्योंकि झारसुगड़ा में वनली ब्रांड्स लाया है जाने माने ब्रांड के पुरुषों के परिधान, वो भी 50% से लेकर 80% के डिस्काउंट पर। अब मार्केटिंग के साथ सेविंग भी। फॉर स्मार्ट मार्केटिंग कम टू वनली ब्रांड, कंगा कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला चौक, झारसुगड़ा।